والسلام على خير القلق محمد وعلى आरि وصحبه अजमाइन मेरे इस्लामी भाइयों और बहनों आज का हमारा जो इजलास है ये हर जुमे के शाम इस वक्त हम मुनद करते हैं इस मकसद के लिए इस मक़सद को लेकर कि हम सब बैठें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों को सुने और उस पर परमल करें अल्लाह ताला मुझे और आपको जहन्म से नजात दे दे तो किसी भी अमल के करने से पहले नीयत को खालिस कर लेना चाहिए हम लोग किस नीयत से यहाँ बैठे हैं क्या हासिल करने के लिए बैठे हैं हमारी नीयत साफ़ होनी चाहिए कि हम कुछ बातें ऐसी सुने जिस पर अमल करके हम अल्लाह की जन्नत को पा सकें जैसे आपने सुना होगा कि आज का जो टॉपिक हमारे साथ था, थाब आरफ़ कौन है अब आराफ़ कौन है आराफ आपने कुरान में एक सूरत का नाम सुना है आराफ़ तो ये सबसे पहले इसके लिए हम क़ुरान मजीद की आयतों को हम पढ़ते हैं तर्जुमे के साथ हल्की सी तफसीर तो जिससे हमको पता चलेगा कि असाब आराफ़ कौन हैं क्या क्या चीज़ें जन्नत में हैं तो सूरत आराफ़ आयत नंबर चवालीस और पैंतालीस से अल्लाह ताला ने इन बातों को शुरू किया तो अल्लाह ताला ने फ़रमाया أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن الله الله الذين عن وهم इस दर्स को हम लोग और भी दिलचस्प और मज़ेदार बना सकते हैं जब आप इन आयतों को अपने मोबाइल में देखें जैसे आप हम लोग कभी किसी चर्च में चले जाते हैं पास्टर जैसे बोलता हर एक के हाथ में क्या रहता बाइबल रहता पास्टर जैसे बोलता वो लोग कोट करते पेंसिल से निशान लगाते तो हम मानते हैं कि भाई वो किताब उसमें बहुत सारी तारीफात हैं बहुत कुछ चीज़ें हो सकता है अल्लाह ताला के कलाम से हों लेकिन बहुत सारी तब्दीलियाँ उसमें हैं मानते हैं लेकिन जब गलत चीज़ से इतना लगाव लोगों का होता है तो अच्छी चीज़ से लोगों का कितना लगाव होना चाहिए यानी मेरा और आपका जब क़ुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं ये युर आराफ़ की आयत नंबर चवालीस फोटी फ़ोर से हमने शुरू किया तो अल्लाह फरमाते हैं वना वनादा दा अबुलजन्न वना पुकारेंगे पुकार कर कहेंगे जन्नती जन्नती किससे पुकार रहे हैं असहाबन्ना और दोजख वालों को पुकार कर कहेंगे अन कद वजदना मा वदना रबुना हक्का हमारे रब ने जो हमसे वादा किया था वो हमने सच पाया रसूलों ने जो कुछ बताया था किताबों में जो कुछ लिखा था जन्नत में ये मिलेगा वो मिलेगा रब ऐसा हिसाब लेगा सो माशाल्लाह बिल्कुल सही है अन कद वजदना मा वादना रब्बुना हक्का और अल्लाह के वादे से बढ़कर किसी का वादा नहीं अल्लाह से सच्चा वादा किसी का हो सकता है वमन असदक मिन अल्लाह कीला वादा अल्लाह हक अल्लाह का वादा तो बहुत सच्चा है मूसा अलैहि सलाम जब गोद में थे तो मूसा की माँ से कहा इन्ना रादूहु इलैकी वजाइलूहु मिनल मुरसलीन आए मूसा की माँ डर नहीं इसको समंदर में डाल दे इस बच्चे को लाकर तुझे दोबारा वापस देंगे अल्लाह दिया कि नहीं दिया दिया और आग जिसके बारे में कहा रुकूनी बरदम बरम वसला इब्राहिम आग की सिफत जलाने की है लेकिन जब बात कही गई आग को अल्लाह ने हुक्म दिया तो अल्लाह ताला के हुक्म से आग ठंडी हो गई तो अल्लाह ताला का वादा बड़ा सच्चा है तो जन्नती खुशी से कह रहे हैं कि हमारे रब ने जो वादा किया था हमने पाया है दूध की नहरें हैं शराब की नहरें हैं सोने के कंगन हैं मोती के मकानात हैं रेशम के जर बर्क़ लिबास हैं और गौर उमला तसीम न तो गुनाह की बात है न गलत बात जन्नत में है बिल्कुल अमन अमान का मौसम है और साथ साथ जन्नती ये भी कह रहे हैं फहल वजत तुम मद रब तुम तुम लोगों से जो वादा किया गया था तुमने उसको सच पाया जहन्नमियों से जन्नती पूछ रहे हैं हम लोग पा लिए हमको सब कुछ मिल गया तुमको शैतान ने जो वादे दिलाए बड़े बड़े लोगों ने जो वादे दिलाए क्या ये सब सच है तुमने ये पा लिया कलू नाम जहनमी क्या बोल रहे हैं सही हमने भी सही पाया इस जहन्नम में ये सारी चीज़ें जहन्नम में हैं शैतान ने हमको वरगलाया शैतान के लिए जहन्नम में आग का मेंबर लगाया जाएगा शैतान कहेगा या वैला या सबूरा लोगों में तबाह हो गया बर्बाद हो गया शैतान ये दुहाई देगा तो जहन्नमी कहेंगे काल फ़अनम अज़ीन बन एक ऐलान करने वाला दोनों के दरमियान में ऐलान करेगा कहेगा अलातुल्लाम वालों पर अल्लाह की फटकार वालमों के लिए रास्ते खुले थे आज का ज़माना कितना लेटेस्ट ज़माना है लेकिन आज मुस्लिम नौजवान अल्लाह ताला रहम करे मैं मानता हूँ ये सारे लोग इस्लाम से बहुत दूर होते हैं लेकिन चूँकि नाम मुसलमान का होता है कौम बदनाम कौन होती है मुसलमान होती जिसने औरत के तीस टुकड़े किए दिल्ली में उसका नाम क्या है आफ्ताब मुसलमान का नाम कल कोई एक लड़की है फिल्म बना रही लाइव स्ट्रीमिंग कर रही बॉम्बे में उसे छेड़ने वाले दो बच्चे कौन हैं हमारी कौम के सारी दुनिया खामोश है सारी फिक्र इनको लगी हा? उसको छेड़ रहा है जब ऐसी सारी खबरें मीडिया में आती हैं तो लोग क्या बोलते हैं बिल्कुल वो सही है वही तो बयान दिया करो वो जिसके बारे में बोलते हैं कि वो वो लफ्ज़ जो बोलते हैं वो सही है तो हमारी कौम की असलाह की फ़िक्र की बहुत ज़रूरत है हम लोग हमारी कौम के बच्चों के अख़लाक़ बनाना उनको दीन से दीनदार बनाना उनको नेक आदमी बनाना ये आज की बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चों को दीनदार मैंने समझा कि एक मुसलमान होगा बाद में दोनों के दोनों मुसलमान हैं लड़की को छेड़ रहा है उसे प्यार करने की कोशिश कर रहा है हाँ, वो बेचारी कहाँ से कोरिया से आई पता नहीं क्या कर रही तुझे क्या मतलब है अरे करना चाहता है तो दीन की खिदमत कर अपने माँ बाप की खिदमत कर अपने कौम की खिदमत कर तो ऐसी सारी चीज़ें जब दुनिया वाले देखते हैं तो बदनाम ये कौम होती है अब हम नहीं समझते कि वो कितना पक्का मुसलमान है उसका इस्लाम उसके दिल में कितना रासिक तो अल्लाह ताला ने वालिमों के लिए बहुत सारे रास्ते खोल दिए आज इस्लाम को जानना आसान है हर जगह इस्लाम समझाने वाले हैं वाइजी हैं वाइज़ीन हैं और खुतबा हैं जो इस्लाम की तशरीह, तशरी तोजीह बयान करते हैं लेकिन वालिम समझना नहीं चाहते इस्लाम के अखिला को अपनाना नहीं चाहते सही माने में मुस्लिम बनना नहीं चाहते उसमें हमारा क्या कसूल है एक सही मुसलमान ऐसे कर सकता है ऐसा नहीं कर सकता सही मुसलमान तो उसकी हिफाजत करेगा इसलिए कि इस्लाम इजाजत नहीं देता कि गैर औरत को वो टच भी करे इस्लाम अल्लाह के नबी वसल्लम की बीवी उम्र मिनिनी ने कहा मा मसत यदू इमरतन अल्लाह के वसल्लम ने किसी गैर औरत को उंगली तक नहीं लगाया बर अल्लाह ताला फरमाते हैं अला लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन अल्लाह की लानत है फटकार है किस पर ज़ालिमों पर ज़ालिमों पर रॉन्ग डोअर्स हाँ ज़ालिम ज़ालिम कौन है जो सबसे बड़ा जुल्म क्या है इन शिर्क ला अज़ीम शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है हम लोग क्या समझते हैं आज खबरों को सजदा करने वाला जालिम नहीं ालिम कौन किसी पर म करे किसी के पैसे ले लिया किसी तो इन्हें ालिम अरे सबसे बड़ा ालिम कौन है जो मुशरिक है जो मुशरिक है अल्लाह का हक अल्लाह को नहीं देता है गैरुल्ल् को देता है वहाँ सजदे करता है वहाँ तवाफ़ करता है ये ालिम है अलामी साथ, साथ अल्लाह तगे तशरीह भी कर दी तवजी भी कर दी िम कौन है अल्लादीन सद्दून अन सबी जो लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं अल्लाह जो लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं वो वजाहत कर दी कि लोग कौन हैं जो लोग अल्लाह ताला के रास्ते से रोकते हैं खुद भी नहीं चलते हैं दूसरों को चलने भी नहीं देते अल्लाह ताला के रास्तों से नेकी के रास्तों से रोकते हैं खुद भी गुमराह हैं दूसरों को भी गुमराह किया और साथ साथ अल्लाह ताला ने कहा वहम बिल आख़िरती का फिरौन और आखिरत के मुनकिर भी आखिरत का इनकार भी करते हैं दोस्तों अजीज़ों मेरी माँ और बहनों सारी बात रह जाती है आखिरत पर ईमान से अगर आखिरत पर ईमान का भरोसा ही नहीं है तो हम जैसे चाहे दुनिया में जिएं सारी खुदा तरसी लाहीत तकवा कब आता है जब मुझे एहसास हो कि आखिरत का एक दिन है वहाँ हिसाब व किताब है तभी जाकर मैं अल्लाह से डरूँगा मेरे आमाल सुधार लूँगा मेरी बातें सुधार लूँगा मेरी हरकत और सकनात अच्छी हो जाएंगी वहम बिल आख़िरती काफ्र इन आयतों के बाद अल्लाह तबारक ताली ने जब इस आयत को बयान कर दिया तो साथ कहा वही हिजा जन्नत और जहन्नमियों के दरमियान एक पर्दा है एक हिजाब होगा जिसका नाम है मकाम आराफ, जैसे बाज़ लोगों ने कहा कि हदीद में कहा लहूबा जैसे सूर हदीद में भी कहा गया यहाँ कहते हैं वबई नहुमा हिजाब जन्नत और जहन्नमियों के बीच में एक हिजाब होगा हिजाब के माने पर्दे के हैं कहा कि वो हिजाब होगा जिसे मकाम आराफ कहा जाएगा और उस मकाम के बारे में कहा कि ये मकाम आराफ ना जन्नत में शामिल होगा ना जहन्नम में शामिल होगा बीच में एक इलाका है जिसे इधर ना हिसाब करेंगे ना इधर हिसाब करेंगे वब न हिजाब व आराफ, और वहाँ खड़े होकर मकाम आराफ़ में दोनों तरफ आप झांक सकेंगे जन्नत में भी देख सकेंगे जहन्नम में भी देख सकेंगे कैसा मकाम अल्लाह ने बनाया होगा एक ऐसा मकाम जो जन्नत और जन्नत के जहन्नम के बीच में है जिसे आराफ कहा गया ना जन्नत में शामिल है न जहन्नम में शामिल है दोनों तरफ आदमी देख रहे हैं और उस मकाम आराफ में कुछ लोग हैं कुछ लोग हैं ये कैसे लोग हैं जिनकी नेकियां इतनी नहीं कि वो जन्नत में दाखिल हो जाए बुराइयां इतनी नहीं कि वो जहन्नम में चले जाए अब क्या है उनका हक? दरमियान में है इधर देखते हैं तो कहते हैं, तो हैं तो अल्लाह ये जहन्नमियों में, है। में से हमको नहीं बना जहन्नमियों को देखते हैं तो अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ये जहन्नम है इसमें जहन्नमी जल रहे हैं या से हमको नहीं बना जैसे अल्लाह तबारक तआला तो ने कुरान मजीद की इनायतों में कहा वलआरफी रिजाल वो जो मकाम आराफ है जो जन्नत और जहन्नम के बीच में है उसमें कुछ लोग होंगे जो उनकी खास अलामतों से पहचाने जाएंगे जन्नति मकाम आराफ के लोग जब जन्नतियों को देखेंगे तो कहेंगे तुम पर सलामती हो तुम पर सलामती हो उनके लिए सलामती की दुआ करेंगे लम यद खूह ख़ुद जन्नत में दाखिल नहीं हुए हैं लेकिन ख्वाहिश है कि जन्नत में चले जाएं और ख्वाहिश अल्लाह ताला की तरफ से उसकी मशीयत से पैदा होती है अल्लाह ताला उनको ज़रूर जन्नत में डालेगा लेकिन अब नहीं एक वक्त के बाद अल्लाह ताली उनको जन्नत में डालेंगे तो ये आराफ जब जन्नतियों की तरफ देखेंगे तो क्या कहेंगे तुम पर सलामती अभी वो जन्नत में दाखिल नहीं हुए हैं लेकिन उनकी क्या है ख्वाहिश है तलब है व इधाफतबर लेकिन साथ साथ जब वो जहन्नमियों की तरफ देखेंगे तिलका आसा बिनार अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कहेंगे अय हमारे रब हमको गालिमों में से मत बना तो इससे पहले भी हमने ये बात सुनी कि जहन्नम में ले जाने का सबसे बड़ा बड़ा जरिया और सबसे बड़ा क्या है शर्क यही तो कौम समझती नहीं है ये एक आदमी मामूली गुनाह करता है तो उसे दरगुजर कर देते हैं लेकिन एक आदमी उसे ये करते हैं कि बहुत बड़ी ग़लती कर दिया लेकिन अगर कोई शिरक करता है तो आदमी शर्क की कबाहत को समझता नहीं है। تجعلنا مع القوم الظالمين और साथ साथ लराफ वाले कहेंगे

दुनिया में तुम्हारे जो बहुत सारी टीमें थी फायदा तुम्हें बहुत सारी सपोर्ट था अब तुम अकेले जहन्नम में नजर आ रहे हो वो तुम्हारे जत्थे वो तुम्हारे कुंबे कबीले जमातें ये सब तुम्हारे काम नहीं आई और साथ साथ वमा कुंतुम तुम बिरोन और जो तुम दुनिया में तकबुर करते थे ये तकबुर बहुत बुरी बला है ये भी जहन्नम में ले जाने का सबक़ है इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा तहा तिलकदार नजालदीन अलादून फिली वाला फसादा या आखिरत का घर है उन लोगों के लिए है जो दुनिया में बरतरी और फसाद नहीं चाहते दुनिया में तकबर नहीं चाहते तो तकबुर बड़ाई से बचें कभी दिल में ख़्याल आता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ मैं बहुत आला दर्जे के ख़ानदान का हूँ या मैं बहुत इल्म रखता हूँ या बहुत दौलत रखता हूँ तो ये तकबर है जो आदमी को जहन्नम में ले जाता है कल हशर के दिन अल्लाह हदीस में बताया गया काम सार काम सार अल्लाह ताला उन लोगों को जो दुनिया में तकबर करते थे जर्रों की शक्ल में पैदा करेंगे लोग उसको अपने पैरों से रौंद कर चलें सारी तकबर उसका क्या हो जाएगा निकल जाएगा तो कहते हैं अहा उलादीन अक्सम तुमलाहम क्या वही वो लोग हैं यानी दुनिया में क्या करते थे खसम खाते थे कि बड़ी इससे इससे बोलते थे कि तुम ही अल्लाह ताला अपनी रहमत में नहीं लेगा हालांकि गलत है उद खुर ला तला अलैकुम कुम तुम जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ ला खौ अलैकुम कुम तुम पर कोई डर नहीं और ना तुम होगे तो यहाँ दो बातें हमारे साथ हैं एक खौफ खौफ का क्या माना करते हैं हम लोग फिया आमतौर से खौफ और एक बात है गम गम का क्या करते हैं ग्रेफाते हैं ग्रेफ ओके तो ये दो अल्फाज हैं लेकिन उर्दू में हम क्या बोलेंगे जन्नत में आदमी जब जाएगा तो न तो खौफ है न तो गम है खौफ कई का गम कई का बोला कि गम इसके इसका कि पीछे दुनिया में बीवी बच्चों को छोड़ के आया हूँ उसका उसे क्या होगा दुख होगा खौफ पता नहीं अब आगे क्या होगा आगे किन मराहिल से गुजरना पड़ेगा उसका डर इसका गम अल्लाह ताला कहेंगे पीछे का भी मत सोचो सामने का भी मत सोचो ना सामने का खौफ करो ना पीछे का गम करो ला खौफन अल कम वाला अं तुम तुम्हारे लिए खौफ है ना तो गम है खौफ सामने आने के ताल्लुक से गम और दुख पीछे जो छोड़ गया है उसके ताल्लुक से आदमी सोचता मुझे बड़ा दुख हुआ जब आपसे जुदा हो रहा था आदमी जब दुनिया से जाता है दुखी होता है सारा संसार छोड़ के जाता है बीवी बच्चे कमाई हुई दौलत सब छोड़ के जाता सब सामने चलते कौन भी आपको संभालते नहीं संभाले तो जाना पड़ता साथ उन्होंने क्या करते आराम से जाओ होगा टाइम कैसा भी तो बिल्कुल ऐसे ही है हाँ सामान सौ बरस का है सामान कितने बरस का है सौ बरस का है तो बस जिंदगी की ये, ये है तो कहते हैं लाखौफन आल कम वाला अन तुम तहजनून आगे फिर अल्लाह तबारक एक बात कही देखिए ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين أصحاب العراف آپ سمجھ میں آگیا جو मकाम आराफ़ के लोग हैं जो जन्नत और जहन्नम दोनों को देख सकेंगे जन्नत को देखेंगे तो सलाम कहेंगे जन जहन्नम को देखेंगे तो अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह इन लोगों में से हमको नहीं बना बात तो में अल्लाह ताला ने आराफ आयत नंबर पचास अल्लाह ताला ने इसका जिक्र किया वना जहन्नमी लोग जन्नती वालों को पुकारेंगे जन्नत वालों को पुकार कर कहेंगे अन अफीना अमिनलमा ये जो थोड़ा सा पानी है ना वो थोड़ा पानी हमको दे दो ना क्या नौबत आई देखो हा? पानी भी मांगने की नौबत आई है अन अफी मिनल मा पानी मांग नहीं रहे हैं कुछ पानी हम पर बहा दीजिए कुछ पानी क्या कीजिए हम पर बहा दीजिए मिम्मा मम रजुमल्ला या उसमें से रत्ती थोड़ा जो अल्लाह ने तुमको बतौर रिस्क़ दिया है खाना और पानी क्या करो हम ना भी ज़रा शेयर करो तुम्हें खाते हैं ना ऐसा बोलते हैं तो वो लोग क्या जवाब देते हैं कॉलो इन अल्लाह फ्री जन्नती कहेंगे ये दोनों चीज़ें अल्लाह ने काफिरों पर हराम कर दिया है ना काफिरों को जन्नत का खाना मिलेगा ना काफिरों को जन्नत का पानी मिलेगा अल्लाह अल्लाह पर आदमी हमेशा इस बात का एहसास करें कि कहीं ऐसा ना हो हम मुसलमान ज़रूर हैं हम मुसलमान ज़रूर हैं मैंने जुमे के खुतबे में भी कहा शेख मोहम्मद बिन अब्दुलवाहाबरल ने नवाखदल में लाशर यानी दस ऐसी बातें जिस पर से कहने से वजह से आदमी काफिर हो जाता है उसमें शेख मोहम्मद अब्दुल्वाहाम्ला ने लिखा कि अगर कोई मुसलमान किसी सुन्नत से नफरत करता है दाढ़ी से नफरत है कोई औरत हिजाब से नफरत करती है कोई औरत ये कहती है कि अल्लाह मर्दों को चार शादी का हुक्म कहीं को दिया ऐसा सोच औरत कोई औरत ऐसा सोच नहीं ऐसा नहीं रहना था और कोई औरत कहती है ये कैसा अल्लाह का इंसाफ़ मर्द को दो हिस्से जायदाद में औरत को एक हिस्सा ये इंसाफ़ नहीं ना आए ऐसा भी अगर कोई बोलती है दिल से तो औरत और मर्द क्या हो जाते हैं काफिर हो जाते हैं काफिर हो जाते हैं लोगों को अल्लाह ताला से डरना चाहिए ऐसी बातें ज़बान से नहीं निकालना चाहिए इसी तरह कोई हुक्म है इशा की नमाज़ साढ़े आठ बजे एक आदमी सोचता ऐसा ईशा की नमाज साढ़े आठ बजे को है छः बजे मगरिब की पढ़ते उसके बाद एक दस मिनट के बाद इशार रखे तो हो जाता ना दोनों मिला को साथ पढ़ लेते हैं हमें ये फिर आठ बजे फिर वजू बनाओ फिर मस्जिद जाओ अच्छा नहीं बेसू भी वाला भी हा अगर वो उस इरादे से नाराजगी से अमल भी करता है तो काफिर है समझ में आया अमल करता है फिर भी क्या हो गया वो काफिर हो जाता है तो आदमी इन चीज़ों से बचे अपने ईमान की हिफाजत करे कहीं ऐसा ना हो कि कुफर के हदूत में दाखिल हो जाए जन्नति ही बात तो का रहे हैं कल्ला हर्रम हमकाफरीन अल्लाह ताला ने जन्नत की रोज़ी जन्नत का खाना जन्नत का पानी काफिरों पर हराम कर दिया है कैसे काफिर कौन से काफिर अल्लादीन तखदुदीन जिन्होंने अपने दीन को खेल कूद बना लिया जैसे सूफिया को देखते नहीं नाचते ना मस्जिदों में और कराटे भी अभी नया आया वो करा मिलाद में वो कराटे नाच वो बुला के नाचते ढोल बजाते हैं, खवाली बजाते हैं ये क्या है उनके पास वो दीन नाच है नाच है नाच रहे हैं सब नाच रहे हैं मस्जिदों में नाच रहे हैं ना मस्जिद की हरबत का लिहाज है ना मस्जिद का तकदस है बूढ़े भी नाच रहे हैं जवान भी नाच रहे हैं तो बोला कि तखदुद्दीन हम इन्होंने अपने दीन को क्या बोल क्या बना लिया है लाह बना लिया है जैसे वो ज़माने में मक्के की जो काफिर थे वो लोग भी क्या है हथेलियाँ बजाते थे सीटियाँ बजाते थे तो कुरान ने जिक्र किया और वो नंगे नंगे बदन काबित्ला का तवाफ करते थे बोलते थे कि इन कपड़ों में हमने गुनाह किए हैं ये कपड़े पहन के तवाफ नहीं कर सकते हैं वो अगर तो दुनिया दुनिया की जिंदगी ने उनको धोखे में डाल दिया फल्यो मन साउम यौमिहिम हादा आज हम उनको वैसे भुला देंगे जैसे उन्होंने आज की मुलाकात को भुला दिया था तो दीन को दीन रखें दीन को खेल कूद न बनाए कि ऐसा ना हो कि आदमी कुफर में दाखिल हो जाए वमा भी आया तीन आए जहादून और वह हमारी आयतों के मुनकिर थे एक मुख्तर सी बात थी जो मैंने आपके सामने आराफ के तल्ल से कहा कुछ बातें हमारे साथ आज ही के दर्श में हैं और कितना टाइम हमारे पास है पंद्रह मिनट ये पंद्रह मिनट में कुछ बातें अपने ईमान की तरोताजगी के लिए चलिए उसी जहन्नम को देखते हैं जिस जहन्नम से बचने की दुआ कर रहे हैं तो कुछ मुख्तसर से अंदाज में कुछ बातें हम लोग उसी जहन्नम के तलुक़ से पढ़ लेते हैं अल्लाह ताला मुझे और आपको उस जहन्नम से बचाए रखे इसका फ़ायदा यह होगा कि जब हम उस जहन्नम को याद करेंगे तो बचने की कोशिश करेंगे आज दुनिया की रंगीनी इतनी ज़्यादा है कि हमको समझ में नहीं आता है कभी सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है कि उस जहन्नम से बचने की मुझे और आपको तैयारी करनी है तो इसीलिए कहते हैं सिफतुल्न्नार वो आग जो अल्लाह तबारक ताली ने जलाई है वो आग कैसी है तो यहाँ हदीस में बताया गया अला अखबली नार अल्लाह के नबी ने बतलाया कि जहन्नम में कौन जाएगा कैसे लोग जाएंगे तो बताया कि हर वो जो तकबर करने वाला कुल्लू अत जवा मुस्तबर और बास हदीसों में कहा गया वकाल रसू वकाल अलैहि वसल्लम जहन्नम में जाने वाले लोगों में से कहा मिन सिनफ़ानिबिनार जहन्नम में जाने वाले दो कैटेगरी के लोग हैं लम अरहम कौम सयातन काजना बिल काजना बिल बकरीबुन अब व नसा उन कासियात इन आरियात माइलात कहा कि ऐसी औरतें हैं कासियात कपड़े पहन कर भी नंगी हैं कैसी औरतें हैं कपड़े पहनी हुई हैं फिर भी नंगी हैं ममीला मा जो चलते चलते थरकते चलती चलकने चलने के भी अंदाज होते हैं तो एक औरत से कहा गया कि वो बिला ज़रूरत घर से बाहर निकले ना औरत जब घर से बाहर निकलती है तो वो किसी को देख कर फितने में मुबला होती है या उसको कोई देख कर फितने में मुबतला होता है औरत जब घर से बाहर निकलती है तो उसके साथ साथ शैतान चलता है तो बेहतर है कि बिला ज़रूरत नहीं निकले ज़रूरत के लिए निकल सकती है और निकलने के हदूद बताए गए कि वह खुशबू का इस्तेमाल नहीं करेगी जैसे अब हर रबी अल्लाह तनों ने एक औरत को देखा खुशबू लगाकर मस्जिद जा रही थी तो पूछा या मतलबारे जब्बार, जब्बार की बंदी अल्लाह की बंदी कहाँ जा रही बुला की मस्जिद खुशबू लगा कर जा रही बुला के जाओ वापस घर जाओ अच्छी तरह उसको नहा धोकर साफ़ करो फिर अल्लाह के घर मस्जिद जाओ तो यहाँ हदीस में ही बात बताई गई कि ऐसी औरतें जो इस तरह का लिबास पहनती हैं या अपने बालों को एक अंदाज में बांधती हैं लाद खुलजन्न वला हा ऐसी औरतें जन्नत में दाखिल नहीं होंगी और जन्नत की खुशबू तक उनको नहीं मिलेगी हालांकि इतनी दूर से जन्नत की खुशबू सुनाई देती है, है? सूंघी जाती है असिलसिल तो सही है ये सही हदीस है जो यहाँ बयान की गई इसी तरह वो चहन्न जिससे बचने की हम कोशिश करेंगे इसको अल्लाह ताली जलाते कैसे हैं हम गैस का चूल्हा जलाते हैं गैस से जलाते हैं पहले ज़माने में क्रोसिन से जलाते थे उससे भी पहले एक ज़माना था लकड़ियाँ इस्तेमाल करते थे अल्लाह ताला ने तूरत तहरीम आयत नंबर छः में कह दिया अल्ला... या कुमनारा वल हिजारा जहन्नम जिसका ईंधन लोग और पत्थर हैं ईंधन बोले तो फ्यूल ना तो आप लोग नहीं वो तो मैच बोलना पड़ता नहीं तो उसे क्या बोलेंगे जहन्नम का जो फ्यूल है वो क्या है लोग और पत्थर है अल्लाहन सूरतुल्बकर आयत नंबर बीस पर चार इबन रजब अलहमबरी राहुल्ला बहुत सारे लोग कहते हैं बिल हिजारा हिजारत किबरीत बिल हिजारा हिजारतुलबरीत हिजारा से मुराद क्या कौन सा पत्थर है हिजारतुल बोले तो शबीर भी बोल दांगे आप बोले शबीर पर हिजारतुलत बोले तो किबरीत नहीं किबरीत माचिस के वो इसके ऊपर लगाते नहीं हाँ माचिस के वो इसके हाँ उसको बोलते किबरीत वो जल्दी गर्म होता जल्दी ठंडा नहीं होता वो ला यही बोलते हिजारतल की तो किदू बेहनार व वो ये क़ाल इन फ़ीहा ख़मसत इन फ़ीहा ख़मसत अनवामिन आदाब किबरीत का जो पत्थर इस्तेमाल क्यों करते हैं तो कहा सरातल ये क़ार जल्दी आग उसमें लग जाती है وكثرت दुफान बहुत धुआं उसका निकलता है और जल्दी बदन से चिमट जाता है तो ऐसी आग अल्लाह ताला ने जहन्नमियों के लिए तैयार कर रखी है तो आदमी को जहन्नम से पनाह मांगना चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला उसे जहन्नम से बचाए रखे एक और चीज़ वलमा कराम लिखते हैं सलासी रूहा वा गला रूहा व रिहा उसकी जहन्नम की जो वहाँ जो जंजीरें हैं जो अल्लाह ताला जहन्नमियों के लिए रखते हैं तुम मफी सिलसिला तीन अल्लाह कहते हैं कि जहन्नमी को उन जंजीरों में चैन में जगड़ दो सब दिर को, उसका एक एक लिंक सबरूना दिर सत्तर गज लंबा होगा एक लिंक चैन की लंबा मरेंगे उसमें उसे जगड़ा जाएगा अब आप सोचने लगे हैं हम तो चार फिट के हैं तो इतना लंबा चैन हमको क्या जरूरत है कोई भी आदमी सोचता है अल्लाह ताला हम सबको बचाए रखे कोई भी इंसान अल्लाह ताला सबको जन्नती बनाए कोई बदबخت अगर जहन्नम में चला जाता है तो कहा कि जहन्नम में जाने के बाद जहन्नमियों का जिसम क्या कर देंगे अल्लाह बढ़ा देंगे उसका एक डाढ़ की पहाड़ के बराबर होगा एक डाढ़ रूट उसका एक डाढ़ उहद की पहाड़ के बराबर होगा जैसे कहते हैं जैसे उन्होंने यहाँ अशार भी इस बात को कहा जैसे कहते हैं मितूफ़ी क्योमल हशर उर्ाना याद करो उस मौके को जब आप हशर के मैदान में अल्लाह के सामने नंगे खड़े होंगे मुस्तफ़न कल कल अहशा हैराना और सारे लोगों के सामने और अजीब एक तरह की परेशानी होगी, गैज़िन व मिन हनक़िन और जहन्नम है कि आवाज़ कर रही है गुस्से में जहन्नम गुस्से में आ चुकी है आलुसाति वतल कर रब्बि गज़बाना जहन्नम गुस्से में है किस पर नाफ़रमान लोगों पर और अल्लाह ताला भी गुस्से में हैं इकरा किताबक या अबी अला मोहलिन वंद हल तरा हल काना मा काना तो वो कहते हैं इकरा किताब क्या अब दी अय मेरे बंदे तेरा नाम अमाल पढ़ ले अला मोहल जल्दी नहीं जरा संजीदगी से पढ़ ले वंदुर रई हल तरा हलमा हलकाना मा काना और देख ले कि क्या तेरे नाम अमाल में कुछ ऐसा है जो तू नहीं किया हो ये जो तू किया हो उसमें नहीं है या नहीं किया उसमें मौजूद है सारा नाम अमाल हमारे सामने अल्लाह ताला खोल कर रख देंगे الله تبارك وتعالى قران مجيد میں جگہ جگہ کہتے ہیں انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب انها ترمي بشرر كالقصر كانه جمالت صفر سوره المرسلات الله تبارك وتعالى نے کہا کہ تین چیزیں कभी आदमियों के लिए अल्लाह ने पैदा की है नेमत के तौर पर वो तीन चीजें क्या हैं ये देखिए वह अमरत दुनिया दुनिया की गर्मी है उससे बचा जा सकता है दुनिया की गर्मी से बचने के लिए क्या यूज करते हैं क्या यूज करते सी यूज करते हैं पहले एसी नहीं था दरख्त के साय के नीचे खड़े होते थे साया समझ लो ना गर्मी से बचाने के लिए आमतौर से क्या लेते हैं साया हर गरीब कोई भी लेता है अच्छा प्यास से बचने के लिए पानी पीते हैं और हवा है हवा है आदमी फ़्रेश हो जाता है इसी में बैठे माशाल्लाह फ्रेश हो जाते हैं लेकिन यहाँ शेख लिखते हैं अम्मा फ़ी जहन्नम जहन्नमी सला था ये तीन चीज़ों को अल्लाह ताला जहन्नम में आदाब बना देगा फ़ल हवा वमोम ये जो हवा है वो जहरीली कर दी जाएगी व्ल यहमोम और जो साया होगा वो साया भी तकलीफदा होगा वलमा व हमीम और प्यास के वक्त जो पानी पिया जाएगा वो पानी भी खोलता हुआ पानी होगा साया भी नहीं पानी भी नहीं और हवा भी नहीं ये सारी चीज़ें अल्लाह तबारक ताली बदल देंगे जैसे आग के शोले लोगों पर बरस रहे होंगे और साथ साथ अल्लाह ने कहा और ऐसी ज़ोर हवा चलेगी कि चेहरे झुलस जाएंगे जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा लो या अलमुल्लदीन कफ़र रूहीन ला यकुफ़ून अन वुजूहिहिम अन्नार वला अन अं ज़ुहूरिहिम वला हुम युनसरून साथ साथ अल्लाह तबारक तआला ने भी कहा फल्लज़ीन कफ़र कुत्तिअत लहुम थियाबुम मिन नार जो लोग काफिर हैं आग के कपड़े उनके काटे जाएंगे के, के कपड़े हैं आग के कपड़े, कपड़े। अल्लाह नीचे आग ऊपर आग जो लिबास पहना वो भी आग का मिन फौकी हमीम उनके सरों पर से गरम गरम खोलता हुआ पानी डाला जाएगा और उस पानी की वजह से क्या होगा युसर बिही माफी वल जुलूद उनके पेटों में जो भी होगा वो सब उबल कर बाहर आ जाएगा वल जुलूद उनके चमड़े उबल जाएंगे और साथ साथ अल्लाह ताला ने ये ये आयत जो अल्लाह तबारक ताली ने हज आयत नंबर उन्नीस में अल्लाह ताला ने फरमाया तो ये जहन्नम है ये जहन्नम का आदाब है हमेशा आप जहन्नम से पनाह मांगे अल्लाजर नामिनार अल्लाजर नामिनार या अल्लाह सब को जहन्नम से बचा दे और जैसे ने कहा कि से जहन्नम जहन्नम कितनी बड़ी है अल्लाह तबारक व जानता है अल्लाह तबारक तआला ने जहन्नम को पैदा किया है एक हदीस में आता है वो हरा रज़ी अल्लाह तू की हदीस है हम अल्लाह के नबी वसल्लम के साथ बैठे हुए थे अचानक ऐसा लगा कि कोई ज़ोरदार चीज़ की गिरने की आवाज़ आई साथ बैठे हैं

सत्तर साल से जहन्नम में गिर रहा है अब वो अपनी मंजिल को पहुंचा है तो कितना बड़ा होगा जहन्नम कितनी उसकी ये होगी फोया हवी फन्नार आन अब वो अपनी मंजिल को पहुंचा है सही मुस्लिम की यह हदीस है तो अल्लाह तबारक व से आप और हम दुआ करें कि अल्लाह तबारक वाली हम सबको जन्नतियों में से बनाए और जहाँ तक हदीसों में आता है कि जहन्नम में जो आदाब हैं जो अल्लाह ताला जहन्नमियों को देते हैं कहा इन नमिन उमन तखुद्न्ना इला काबई कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको आग उनके घुटनों तक जलाएगी हा? और कुछ लोग ऐसे होंगे इन टखनों तक, 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 तक और कुछ लोग ऐसे होंगे किसी को घुटने तक वमिन उमन तखदुज़त कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको आग कमर तक जलाएगी किसी को टखनों तक किसी को घुटनों तक किसी को कमर तक वमिन हो मन तुद हो अ तरकोते और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको जहन्नम उनके हलक तक जलाएगी सारा आगिया अः यादबिल्ला ऐसा हाल उसका होगा इसीलिए कहते हैं किसी गुनाह को हम क्या नहीं करें हकीीर ना समझें इसीलिए कहा खल दुनू बगे रहा व कभी रहा फह तुका तकवा इसी का नाम है कि आप छोटे गुनाह से भी बड़े बचें और बड़े गुनाह से भी क्या करें बचें इसीलिए कहा लल कबी ललकबी लानी कोई गुना छोटा नहीं होता अगर बार बार किया जाए ला सग़रातम अलसरार एक गुनाह को अगर आदमी बार बार करता है तो गुनाह बड़ा हो जाता है वाला कभी और इस्तफार अगर बड़ा गुना भी करके आदमी इस्तफार कर लेता है अल्लाह ताला हो सकता है उसे मुआफ़ फरमा दे तो इसीलिए कहते हैं कि कभी भी किसी गुनाह को आदमी हकीर न समझे वसना कमाशिन कमाशिनफोक अर्द शो की तुम ऐसे चलो जैसे कोई आदमी कांटों की ज़मीन पर चलता है दुनिया में हम चल रहे हैं इस तरह चले जगह जगह काटे हैं गुनाह हैं हम इसमें अटक जा सकते हैं तो हम गुनाह से बचकर चलेन इन الجبال इन الحصى कोई गुनाह को तुम कमजोर छोटा ना समझो इसलिए कि कंकर कंकर से पहाड़ बनता है क्या बनता है एक ही कंकर होता है लेकिन एक चिंगारी से कभी आग लग जाती है गुना भरे छोटे हों मुझे और आपको इससे बचना चाहिए बहुत सारी बातें इन्होंने यहाँ बयान की हैं और एक और चीज़ इन्होंने कहा कि जहन्नमियों के लिए खाने का बंदोबस्त भी है नहीं। जहन्नमी खाएंगे भी नहीं क्या क्या वो लोग खाएंगे तो कहा लई सम तो मिन उनके लिए ऐसा खाना है जो हलक में अटकने वाला है वो खाना ऐसा है ना मोटा करेगा ना भूख से बेनियास करेगा हा? तो कहते हैं इन लदई अनकालम अनकान व जहीम वन रुस् व आदाबन अलीमा। खाने की जहाँ जहाँ आयतें आई हैं अल्लाह ताला ने ये भी कहा हाद फम वस्सा हम जहन्नमियों को गरम गरम खौलता हुआ पानी पिलाएंगे और पीप पिलाएंगे बिल्ला ज़ख्मों का जो पीप आता है वगसा, व आखरों में शक्ल ही अजवाद इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें उनको खाने के लिए दी जाएंगी और कांटे दिए जाएंगे जो उनके हलक में अटकेंगे और साथ साथ अल्लाह ताला ने कहा व इन यु युगातु बीमा जब वो पानी के लिए तड़पेंगे तो उनको पानी दिया जाएगा गरम-गरम खौलता हुआ पानी कल मुहली अशविल उजू ऐसा पानी जो उनके चेहरों को झुलसा देगा शराब, क्या ही बुरा पानी है तो अल्लाह तबारक वाली कहते हैं ये जहन्नमियों का खाना है जो उनको दिया जाएगा तो दोस्तों अजीजो अल्लाह तबारक वाली ने और भी आयतों में कहा सूरतुलमदफिर आयत नंबर 26 से 30 तक स उसली ही सकर। हम उसे जहन्नम में डालेंगे वमा अदरा कमा सखर क्या तुम जानते हो कि सखर जहन्नम क्या है ला तुबकी वला तदर बशर ये जला देने वाली झुलसा देने वाली है जो ना छोड़ती है ना बाकी रखती है तो ये अल्लाह तबारक तआला ने ये जहन्नम है जो काफिरों के लिए गालिमों के लिए बनाई है और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं फिर जहनमियों के लिबास का तकरा किया कैसे उनका लिबास है तो आखिरी एक बात सुनकर हम अपनी बात ख़त्म कर लेते हैं तो कभी आपके मेरे दिल में ख्याल पैदा होता है ठीक है ये सारी बातें हमने सुना असाब आराफ भी सुना जहन्नम भी सुना अब इससे बचने का हल भी तो बता दें हाँ वैसे ना होना चाहिए कैसे बचें इस जहन्नम से कैसे बचें तो कहा कि सबसे पहली चीज़ तोहीद है तकवा के साथ साथ तोहीद है जो आदमी बच जाता है इसीलिए अल्लाह के नबी से फरमाया मन خالصا بقلبه" जो आदमी ला इला से नीयत के साथ कहेगा जहन्नम की आग उसे नहीं जलाए तो सबसे बड़ी चीज़ है अपने बच्चों को माहिद बनाएं और इसकामत की दौलत उनके अंदर पैदा करें और जहाँ तक दुनिया की ज़िंदगी है दुनिया की ज़िंदगी एक आज़माइश है और साथ साथ अल्लाह के नबी नबीसम की मुकम्मल इतात और फर्माबर्दारी होनी चाहिए कुल इन कुल तुम अल्लाह, फूनी युहबिबुकुम अल्लाह। इसीलिए आप देखेंगे अल्लाह के नबीसम से साहबा ने पूछा अल्लाह के नबीसम हम आपको दुनिया में मिलते हैं बातें करते हैं आपके साथ बैठते हैं कल हशर में क्या होगा आप कहाँ रहेंगे कैसे हम आपको देखेंगे मेरे नबी रहमत ने क्या कहा? कहां मिलेंगे हाँ? हदीस है आप अपनी मर्जी से नहीं बोल सकते हदीस में जो अल्फाज हैं अल्लाह के नबी नबीम ने बता दिया कि आप कहाँ कहां रहेंगे पुल सिराज से पहले रहेंगे साहबी ने ये भी पूछा कि अगर मैं वहाँ नहीं पाऊँ तो और कहाँ रहेंगे हाँ तो आप हदीस पढ़ लीजिए ढूँढिएँ और भी बड़ी लंबी हदीस है तो अल्लाह के नबी वसल्लम नबी रहमत हैं अल्लाह के नबी वसल्लम ने सारी चीज़ें हमको सुख सिखा दी हैं ज़्यादा से ज़्यादा दरुद्ध पढ़ें अल्लाह के वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करें अल्लाह दुआ करें कि अल्लाह हम सबको महाहिद बनाए और मुतब रसूल अल्लाह के नबी से वसलम की इत करने वाला बनाए सुन्नत का शदाई बनाए और अल्लाह के दीन की खिदमत करने वाला बनाए जितने लोग मेरे साथ हैं सबसे मैं कहूँगा कि हमारे पास दावा टेबल भी लगता है नहीं आ? उसकी इंचार्ज हमारे सहेल साहब हैं और भी दूसरे लोग हैं मैं आपसे कहता हूँ कि आज का ज़माना है कि आप दावा में हमारा साथ जब भी जहाँ भी दावा टेबल लगे आप आएं हमारे साथ ठहरें गैरों तक अल्लाह का दीन हम पहुँचाएँ इसलिए कि आज गलत फैलाने वाले ग़लत दीन के फैलाने वाले बातिल अकाद को लोगों में आम करने वाले बहुत फैल चुके हैं बहुत फैल चुके हैं और वो अल्लाह की ज़मीन पर सरकश बनकर गैर दीनी अफकार ख्याल लोगों में फैलाते हैं ऐसे हालात में मेरे और आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि अल्लाह के नबी और साहबा ने बहुत सारी कुर्बानियां देकर जो दीन छोड़ कर दुनिया से गए हैं उस दीन की हिफाजत का जिम्मा उठाएँ सही दीन को लोगों तक पहुँचाएँ अगर आप नहीं पहुँचाएँगे मैं नहीं पहुँचाऊँगा तो कल हशर के मैदान में हम क्या मुँह लेकर अल्लाह के नबी के सामने जाएंगे कैसे अहदे के पर हम आप हमारा आप इस्ताल करेंगे कैसे अल्लाह के वसल्लम कहेंगे कि ये मेरा उम्मती है ये मेरा उम्मती है ये मेरे दीन को फैलाता था ये मेरे दीन का काम करता था तो ये सारे हकाइक अपनी जगह हैं अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सब को उसके दीन का दाई बनाए, उसके दीन के लिए अपना वक्त दीजिए अल्लाह ताला ने ये ज़िंदगी जो दी है उसकी अमानत है उसके दीन के लिए खर्च कीजिए अल्लाह ताला मुझे और आपको इसकी तौफीक दे अल्लाह ताला सब को दीन का खादिम बनाए आमीन अल्लाह तबारक तारा सब की हिफाजत फरमाएँ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته